हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हमने देख लिया था ब्लड के कंपोनेंट। तो क्लियर है, हमने क्या देख लिया था? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पढ़ रहे थे और ब्लड में क्या देख रहे थे, उसके कंपोनेंट। इसमें देख लिया था हमने प्लाज्मा, क्लियर है। एंड ब्लड सेल्स थी जो क्या थी, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, क्लियर है। इसमें हमने प्लाज्मा पढ़ लिया था, देन उसके बाद प्लेटलेट्स एंड WBC भी कंप्लीट हो चुकी थी अपनी, क्लियर है। आज पढ़ते हैं हम RBC, रेड ब्लड सेल, उसके बाद देखेंगे हम होल ब्लड, क्लियर है, क्लियर है RBC। तो स्टार्ट करते हैं, क्लियर है आज RBC, लास्ट कंपोनेंट है ब्लड का RBC। RBC क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, क्लियर है, रेड ब्लड सेल्स, क्लियर है। ये करती क्या है रेड ब्लड सेल्स बॉडी में, ये क्या करती हैं, जो अपना ऑक्सीजन गैस होती है, मतलब जो अपनी रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, उसको क्या करती है, कैरी। आपको पता है जो RBC होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, HB, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, वन मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का होता है वो क्या करता है, जो फोर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, जो फोर मॉलिक्यूल, उसको क्या करता है, कैरी करता है, क्लियर है। तो ये क्या था, RBC क्या है, ये वर्क है, फंक्शन है इसका RBC का, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बात करें, जो RBC है, जो RBC अपन को ट्रांसफ्यूज कब करना है, कौन सी कंडीशन है, इसकी इंडिकेशन क्या है, कौन सी कंडीशन है जिसमें हम RBC ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्लियर है। तो इसकी इंडिकेशन देखते हैं, इंडिकेशन, तो फर्स्ट इंडिकेशन की बात करें, अगर कोई पेशेंट है उसमें एनीमिया है, क्या है, एनीमिया, उसमें रेड ब्लड सेल्स की क्या है, कमी है, तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे RBC। तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या हुआ, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जो डिक्रीज RBC काउंट, क्लियर है, फर्स्ट इंडिकेशन। सेकेंड इंडिकेशन की बात करें, डिफिशियंसी ऑफ RBC, डिफिशियंसी ऑफ RBC, RBC की कमी है, तो क्या करेंगे, जो रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे, क्लियर है। ये क्या थे इसके इंडिकेशन। नेक्स्ट इंडिकेशन के बाद देखें हम, जो RBC के, जो RBC को अपन स्टोर करते हैं ब्लड बैंक में, RBC को स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव एजेंट होते हैं, जिससे क्या होगा, जो RBC की लाइफ स्पेन बढ़ जाएगी, एंड देन जो RBC की जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या नहीं होंगी, डैमेज, क्लियर है। तो कुछ प्रिजर्वेटिव एजेंट हैं, प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या करते हैं, RBC को स्टोर कर, मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं, इससे RBC की लाइफ स्पेन बढ़ जाती है स्टोर के दौरान ब्लड बैंक में, क्लियर है। तो फर्स्ट जो प्रिजर्वेटिव होता है, सिट्रेट, क्या होता है, सिट्रेट, ये क्या करता है, सिट्रेट जो होता है वो क्या करता है, जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसके साथ बाइंड होता है, और जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो ब्लड के साथ बाइंड होता है और ब्लड को क्या नहीं देता, क्लोट नहीं होने देता, इसका काम क्या है, जो ब्लड में अपना, ब्लड में जो अपना क्या है, कैल्शियम है, उसके साथ बाइंड होगा क्या, सिट्रेट, और ब्लड को मतलब क्लोट नहीं होने देगा। तो इसका वर्क क्या हुआ, सिट्रेट क्या है, एंटी कोएगुलेंट का काम करता है, क्या करता है, एंटी कोएगुलेंट, क्लियर है। नेक्स्ट है, सेकंड जो प्रिजर्वेटिव एजेंट है वो क्या होता है, वो होता है फोस्फेट, क्लियर है। सेकंड क्या है, फोस्फेट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जो ब्लड स्टोर के दौरान प्रिजर्वेटिव एजेंट में सिट्रेट का वर्क क्या है, तो वो क्या है, एंटी कोएगुलेंट, क्लियर है। सेकेंड है फोस्फेट, फोस्फेट क्या करता है, जो मैंने बताया कि जो सिट्रेट है वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और एंटी कोएगुलेंट का फंक्शन करता है। फोस्फेट को प्रिजर्वेटिव एजेंट डालते हैं हम, क्यों, क्योंकि जो क्या है ब्लड, उसमें क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम के कारण क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन, उसको क्या करेगा, कम करेगा, कौन, फोस्फेट, डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू कैल्शियम, जो भी कैल्शियम की जैसे कॉम्प्लिकेशन होंगी, आपको पता है जो कैल्शियम कम हो जाएगा किसी कारण, सिट्रेट उससे बाइंड कर लेगा कैल्शियम से और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, उसके कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी उसको फोस्फेट कम करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड इसमें प्रिजर्वेटिव एजेंट आता है, वो क्या आता है, डेक्ट्रोज, क्या आता है, डेक्ट्रोज, ये क्या करता है, ये जो RBC जो जो सेल होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, उनको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसकी लाइफ स्पेन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, डेक्ट्रोज क्या करता है, स्टोर के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ब्लड सेल्स को,
क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, क्लियर है। तो ये क्या थे, थ्री प्रिजर्वेटिव एजेंट थे। उससे क्या होता है, जो अपनी जो ब्लड सेल्स है वो मतलब स्टोर रह पाती है लॉन्ग टाइम तक, क्लियर है। ये थे अपने प्रिजर्वेटिव एजेंट, क्लियर है। इसके बाद जो बात करें, जो इसको प्रिजर्वेटिव एजेंट जो आरबीसी को स्टोर कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो जो आरबीसी का स्टोर टाइम है वो कितना है, 35 से 42 डेज तक, क्लियर है। जो आरबीसी का स्टोर टाइम है, आरबीसी स्टोरेज टाइम, कब तक हम ब्लड बैंक में इसको स्टोर रख सकते हैं, तो वो क्या है, 35 से 42 डेज, क्लियर है। 35 से 42 डेज तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं आरबीसी को, क्लियर है। इसकी लाइफ स्पेन की जो ये क्या होता है, लाइफ स्पेन, क्लियर है। इसके बाद क्या हो जाएगी, आरबीसी सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, क्लियर है। नेक्स्ट है, जिसको आरबीसी को स्टोर करते हैं वो कितना टेम्परेचर होता है, इसका स्टोरेज टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो वह है 228 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पे, जिसका टेम्परेचर स्टोर करने का वो कितना है, 228 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हमने प्लेटलेट्स की बात की थी, उसको हमने कहाँ रखा था, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना था अपना, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी प्रकार जो आरबीसी अपना, उसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद है, जो आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करेंगे, आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट में क्या करेंगे, कैसे करना है, तो फर्स्ट 15 मिनट की बात करें, स्टार्टिंग 15 मिनट की, तो उसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग 15 मिनट है उसमें क्या करेंगे, आरबीसी को स्लो ट्रांसफ्यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि जो हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे, आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो बॉडी में क्या हो सकता है, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है, तो उसको रोकने, उसकी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए, अर्ली कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए स्टार्टिंग 15 मिनट में क्या करेंगे, आरबीसी स्लो ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो कितना करना है देखते हैं, फर्स्ट 15 मिनट में कितना करेंगे, वो करेंगे 1 to 2 ml पर मिनट, कितना करना है, 102 ml पर मिनट ट्रांसफ्यूज करना है, क्लियर है। और ड्रॉप की बात करें तो 10 to 15 ड्रॉप पर मिनट, क्लियर है। स्लो इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी अर्ली कॉम्प्लिकेशन होगी, हीमोलाइटिक अगर रिएक्शन हो रही है, तो तुरंत क्या कर देंगे, ब्लड को स्टॉप कर देंगे, क्लियर है। इससे क्या होगा, जो कॉम्प्लिकेशन फर्दर नहीं होगी, क्लियर है। बाद में बात करें, आफ्टर 15 मिनट ट्रांसफ्यूज करना है, 40 ड्रॉप पर मिनट, कितनी, 40 ड्रॉप पर मिनट क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना है। लेकिन याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, पूछ सकता है कि कितना ट्रांसफ्यूज करना है आफ्टर 15 मिनट, तो याद रखना है 40 ड्रॉप पर मिनट, लेकिन नोट मोर देन 40 ड्रॉप पर मिनट, लेकिन 40 ड्रॉप पर मिनट से ज़्यादा ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। उससे होगा क्या, उससे होगा कि हमने अगर 40 ड्रॉप पर मिनट से ज़्यादा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसमें फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, उसमें अगर फर्स्ट है, अगर सॉरी उससे पहले देख लेते टाइम, जो अपना आरबीसी है उसको ट्रांसफ्यूज करने का टाइम क्या है, तो ट्रांसफ्यूजन टाइम, कितने टाइम में अपने को आरबीसी ट्रांसफ्यूज करना है, तो वह है 2 to 4 hour, क्लियर है। 2 to 4 hour में क्या करना है, आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करना है, क्लियर है। अब देखते हैं, जो फर्स्ट जो अगर 2 to 4 hour में क्या करना है, ट्रांसफ्यूज, अपने मैंने बताया कि नॉट मोर देन 40 ड्रॉप पर मिनट ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होगी, वो देखते हैं हम। अगर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्यूरेशन बताया मैंने कि 2 to 4 hour, 2 to 4 घंटे के अंदर क्या करना है, आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करना है। अगर हमने कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, इफ यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सॉरी आरबीसी ट्रांसफ्यूजन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन लेस
आरबीसी ट्रांसमिट किया लेस देन टू हावर में, लेस देन टू हावर में क्या कर दिया आरबीसी ट्रांसमिशन किया, तो उससे क्या होगा कॉम्प्लिकेशन होगी, वो क्या होगी हाइपर वोलीमिया। क्लियर है, हाइपर वोलीमिया होगा। सबको पता है कि जो लेस देन टू आवर, अगर जल्दी से अपन ने आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा बॉडी में क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा हाइपर वोलीमिया। इसकी वजह से देखने को मिलेगा आपको, फर्स्ट देखने को मिलेगा कार्डियक अरेस्ट। क्लियर है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के बाद देखने को मिलेगा आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्या मिलेगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्लियर है, क्या मिलेगा सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुल पूरा जो बॉडी का सर्कुलेशन उसमें क्या हो जाएगा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या जाएगा इंक्रीज, क्योंकि हमने जो ब्लड क्या है जल्दी जल्दी दे रहे हैं, यानी कि टाइम था अपना टू स्टे टू टू फोर आवर में देना था और हमने क्या कर दिया लेस देन टू आवर में ही कंप्लीट कर दिया। क्लियर है, तो उससे क्या हो जाएगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्लियर है, बॉडी क्या कंपनसेट नहीं कर पाएगी इतनी जल्दी। क्लियर है, नेक्स्ट है अगर हमने इफ यदि जो आरबीसी ट्रांसफ्यूजन है, आरबीसी ट्रांसफ्यूजन है वो क्या किया मोर देन फोर आवर, क्या किया यानी कि अपने स्लो ट्रांसफ्यूजन किया तो उसकी वजह से क्या होगा मोर देन फोर आवर। क्लियर है, उसकी वजह से क्या होगा सेप्टिसीमिया में देखने को मिलेगा, क्या होगा सेप्टिसीमिया, क्या होगा सेप्टिसीमिया, क्या हो जाएगा पूरे ब्लड में क्या हो जाएगा सेप्सिस इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं सेप्टिसीमिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, अगर हमने ब्लड लेस देन टू आवर यानी कि लेस देन टू आवर कम टाइम में कर दिया, नॉर्मल था टू टू फोर आवर और लेस देन टू आवर में कर दिया तो उसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा हाइपर वोलीमिया और उसमें फर्स्ट देखने को मिलेगा कार्डियक अरेस्ट, सेकंड प्रायोरिटी होगी सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्लियर है, नेक्स्ट है आरबीसी को ट्रांसफ्यूज किया मोर देन फोर आवर में यानी कि मोर देन फोर आवर स्लो अपने ट्रांसफ्यूज किया, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा सेप्टिसीमिया, होल ब्लड के अंदर क्या मिलेगा इन्फेक्शन। क्लियर है, तो ये था अपना आरबीसी। और एक है अगर आरबीसी अपन ने ट्रांसफ्यूज की वन यूनिट अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, कितना वन यूनिट, तो उसमें अब इसको क्या करेंगे इवैल्यूएट करेंगे कि जो इफेक्टिव है या नहीं, अपना जो आरबीसी ट्रांसफ्यूज किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया वो इफेक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये है आरबीसी इफेक्टिव, तो अगर वन यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो HB कितना इवाल्वेट होगा, HB जो हीमोग्लोबिन है वो कितना देखने को मिलेगा। एक यूनिट ब्लड देने के बाद अपने ब्लड को इवाल्वेट किया, हमने चेक किया CBC करके, तो देखेंगे जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना मिलता है, तो मिलेगा 1 ग्राम बढ़ा हुआ मिलेगा, कितना मिलेगा 1 ग्राम बढ़ा हुआ मिलेगा। हीमेटोक्रिट लेवल की बात करें किसकी, तो वो 2 to 3% हीमेटोक्रिट लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, कितना 2 to 3%। वन यूनिट अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद हमने इवाल्वेट किया ब्लड को, कितने टाइम बाद इवाल्वेट करते हैं, इवाल्वेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो करते हैं 2 to 4 hours, वही सेम है 2 to 4 hours, 2 to 4 hours के बाद अपन क्या करेंगे उसको इवाल्वेट करेंगे। क्लियर है, सॉरी 2 to 4 hours नहीं है, इवाल्वेट करेंगे 4 to 6 hours। क्लियर है, 4 to 6 hours बाद हम चेक करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद कि एक यूनिट ब्लड देने से कितना हीमोग्लोबिन प्राप्त हुआ और कितना हीमोटोक्रिट। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होगा बढ़ा हुआ मिलेगा और 2 to 3% क्या मिलेगा हीमोटोक्रिट लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि एक यूनिट ब्लड देने के बाद कितना HB बढ़ा हुआ मिलता है और हीमेटोक्रिट कितना मिलता है। क्लियर है, तो मैंने बता दिया आपको 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा और 2 to 3% क्या मिलेगा हीमोटोक्रिट लेवल। क्लियर है, ये आरबीसी था अपना कंप्लीट है। इसके बाद देखते हैं क्या होल ब्लड। क्लियर है, ये था आरबीसी, इसके बाद देखते हैं होल ब्लड। होल ब्लड सेम एज आरबीसी की जैसे है, वही सेम टाइम पीरियड है, इसको भी 2 to 4 hours में ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्लियर है, और सबसे देख लेते हैं होल ब्लड।
इसके बारे में देख लेते हैं दो तीन बातें। होल ब्लड सेम एज आरबीसी की जैसे है होल ब्लड। इसमें क्या होता है होल ब्लड में, इसमें सभी कंपोनेंट, होल ब्लड का मतलब है सभी कंपोनेंट पाए जाएंगे। जैसे हमने बताया था आरबीसी में कौन कौन से, सॉरी ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। क्लियर है, ये सभी कंपोनेंट पाए जाएंगे उसको क्या बोलते हैं होल ब्लड। क्लियर है, इसको भी सेम एज आरबीसी के जैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्लियर है, तो इस क्या हुआ होल ब्लड, इसमें सभी इस लिख लेते हैं इसको आल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन होल ब्लड। क्लियर है, आल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन होल ब्लड। क्लियर, देन इसको जो ट्रांसफ्यूज करने का टाइम है वही कितना है, सेम ट्रांसफ्यूजन टाइम, ट्रांसफ्यूजन टाइम वही कितना है, टू टू फोर आवर। क्लियर है, टू टू फोर आवर सेम एज आरबीसी जैसे, बस इसका जो लाइफ स्पेन है, जो इसको स्टोर करने का टाइम है वो अलग है, वो कितना है स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम की बात करें तो इसका है 28 to 35 days। क्लियर है, 28 to 35 days कितना है, 28 to 35 days। और आरबीसी मैंने कितना बताया था स्टोरेज टाइम, आरबीसी का इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है आरबीसी कितना है, 35 to 42 days। क्लियर है, ये इसका डिफरेंट है। और सेम आरबीसी जैसे होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ट्रांसफ्यूजन का टाइम है और जो प्रिजर्वेटिव एजेंट है सब सेम है, लेकिन जो आरबीसी का जो स्टोरेज टाइम है वो डिफरेंट है, वो कितना है आरबीसी का था 35 to 42 days। क्लियर है, और होल ब्लड की बात करें तो 28 to 35 days। क्लियर है, और मैंने आपको आरबीसी में बताया था जो इसका वन यूनिट में ब्लड कितना होता है 200 ml पर यूनिट, और इसमें कितना होता है वो होता है 35 ml पर यूनिट। क्लियर है, इसमें एक यूनिट में कितना होता है होल ब्लड में 350 ml पर यूनिट। क्लियर है, अब इसमें बात करें जो 350 ml है इसमें क्या पाया जाता है, तो 350 की बात करें तो इसमें 300 है वो जो क्या पाया जाता है प्योर ब्लड, इसमें क्या पाया जाता है 350 ml पर यूनिट। क्लियर है, अब इसमें देखें जो 300 ml है क्या है, 300 ml ये तो क्या पाया जाता है इसमें प्योर ब्लड, क्या पाया जाता है प्योर ब्लड, और 50 ml में क्या पाया जाता है प्रिजर्वेटिव्स, जो मैंने अभी बताया था आपको आरबीसी में लाइक सिट्रेट है, फोस्फेट है एंड डेक्सट्रोज। क्या है डेक्सट्रोज, मैंने अभी इनके वर्क बताया था सिट्रेट क्या वर्क करता है, फोस्फेट क्या करता है एंड डेक्सट्रोज क्या करता है, आरबीसी में बताया अभी। क्लियर है, तो ये था होल ब्लड में 350 ml पर यूनिट होता है, उसमें 300 ml क्या होता है प्योर ब्लड, और 50 ml क्या मिक्स होता है इसमें प्रिजर्वेटिव एजेंट लाइक सिट्रेट फोस्फेट एंड डेक्सट्रोज। क्लियर है, तो ये था होल ब्लड, ये बाकी जो भी ट्रांसफ्यूजन है होल ब्लड का वो सेम मैच किसकी तरह है आरबीसी का, जैसे फर्स्ट 15 मिनट में कितना ट्रांसफ्यूज करना है, उसका आफ्टर के 15 मिनट कितना ट्रांसफ्यूज करना है वो मैंने आरबीसी में बताया आपको, सेम मैच किसकी तरह है आरबीसी की तरह होल ब्लड। क्लियर है, तो हम देखते हैं लास्ट जो प्रोसीजर है होल ब्लड का, सॉरी जो प्लस अब जो ब्लड अब देखेंगे हम, हमने क्या किया अब तक, कंपोनेंट डिस्कस किए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने। हम देखेंगे अब प्रोसीजर, इसमें कौन से मतलब कौन ब्लड दे सकता है, डोनर कौन है, इसके अंदर जो उसके मतलब डोनर के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद जो आर्टिकल है जैसे कैनुला है कौन से कैनुला यूज करते हैं। क्लियर है, ये सब हम देखते हैं। अब है प्रोसीजर, क्लियर है यहां तक, अब आता अपना करेक्टरिस्टिक्स, सॉरी इसके ब्लड का प्रोसीजर। क्लियर है, और इससे पहले एक पॉइंट और देख लो कि जो पर्सन है कोई पेशेंट है उसको कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। क्लियर है, कोई पर्सन है उसको ब्लड कितना ट्रांसफ्यूज करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ये भी कि आपको वेट दे देता है कि मान लो कि 70 kg का पेशेंट है और पूछ ले कि कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं इसको, तो वो है इसका एक वो पॉइंट है नोट कर लो, 50 ml पर kg बॉडी वेट
50 ml पर केजी बॉडी वेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लियर है। 50 ml पर केजी के हिसाब से क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्लियर है। निकालने का तरीका आपको पता है, मान लो आपको एग्जाम क्वेश्चन देता है 70 केजी का पेशेंट है, कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो 70 × 15 इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई 15 से 70 को, ये पेशेंट का वेट है, ये कितना है एम 15 ml पर केजी, वेट देख रखा आपको 70 kg, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 950 ml, क्लियर है, ये आपका आ गया 950 ml। इतना क्या कर सकते हैं हम, सॉरी 1050 ml, क्लियर है। 1050 ml क्या कर सकते हैं, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं एक 70 kg वाले पेशेंट को, क्लियर है। तो ये आपको एग्जाम पूछ सकता है, पेशेंट का वेट दे देगा और आपको पता है कि 15 ml पर केजी के हिसाब से क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी लिख लो उसको शॉर्ट में, प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी, क्लियर है। तो इसके प्रोसीजर है, फर्स्ट है क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कलेक्शन, ब्लड को क्या करना है, कलेक्शन के बाद क्या करेंगे, कलेक्शन एंड स्टोरेज, फिर उसको क्या करेंगे, स्टोर, क्लियर है। स्टोर कहाँ करेंगे, ब्लड बैंक में उसको प्रिजर्व रखेंगे, क्लियर है। सेकंड नंबर पे आता है इसके इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है, सॉरी जो भी पेशेंट का ब्लड है उसको क्या करेंगे, क्रॉस, तो सेकंड आता है क्रॉस मैचिंग, क्या करेंगे उसको, क्रॉस मैच करेंगे पेशेंट के ब्लड से और ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट के अंदर, क्लियर है। थर्ड आता है उसको क्या करेंगे, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे उसमें जो भी आर्टिकल यूज होते हैं उसको क्या करेंगे, कलेक्ट आर्टिकल्स, क्या करेंगे, कलेक्ट आर्टिकल्स, क्लियर है। तो ये था प्रोसीजर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन एंड स्टोरेज, तो सबसे पहले क्या लेंगे, डोनर, कोई पर्सन है वो क्या करेगा, अपना ब्लड डोनेट करेगा, तो कौन पर्सन है वो अपना ब्लड डोनेट कर सके, सबसे पहले देखते हैं कलेक्शन के बारे में, कलेक्शन करेंगे तो फर्स्ट फीचर देखते हैं, जो डोनर है क्या है, डोनर उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, देन उसके अंदर कौन सी डिजीज है तो हम उसका ब्लड नहीं लेंगे, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, डोनर के करेक्टर, तो सबसे पहले उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, वेट, जो डोनर का वेट है वो होना चाहिए 45 to 50 kg, अगर इससे कम है तो उसका ब्लड नहीं लेंगे, क्लियर है, ये इसके करेक्टर है। इसके मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल का वेट होना चाहिए 45, मेल की बात करें तो उसका होना चाहिए, मेल की बात करें तो उसका होना चाहिए 50 kg, क्लियर है। सेकंड एज की बात करें, जो डोनर की एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 to 65 ईयर, इसके बीच में 18 to 65 से क्या होनी चाहिए एज, और क्या पर्सन क्या होना चाहिए, हेल्दी, क्लियर है। ये क्या है, डोनर के करेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, वेट होना चाहिए 45 to 50 kg, 45 फीमेल एंड 50 मेल का होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए, 18 to 65, क्लियर है। नेक्स्ट जो उसका एच बी लेवल है, जो उसका हीमोग्लोबिन लेवल है वो कितना होना चाहिए, more than 12 ग्राम, कितना होना चाहिए, more than 12 ग्राम, उसी पेशेंट का हम क्या ले सकते हैं, ब्लड, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं जो कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है, अगर पर्सन को कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसका ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे, लाइक इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज असेस करेंगे हम, अगर वो डिजीज पर्सन को प्रेजेंट है तो ब्लड को कलेक्ट नहीं करना है, क्लियर है। जैसे वो डिजीज लाइक है, फर्स्ट है सिफिलिस, क्लियर है। सेकंड नंबर, अगर सिफिलिस है पर्सन को तो भी क्या नहीं करना है, ब्लड कलेक्ट नहीं करना है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, हर बार एग्जाम पूछ जाता है सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट, क्लियर है। ये आपका जो क्वेश्चन है सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपको
जो हमारे क्वेश्चन आंसर क्लासेस चल रही हैं उसमें भी बता चुके हैं कि जो सिक्लिस का पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ये आपका क्वेश्चन आज का क्लियर है। नेक्स्ट फर्स्ट है सिफिलिस, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे होता है मलेरिया, क्या मलेरिया। अगर मलेरिया पर्सन को मलेरिया है तो भी उसका क्या नहीं करेंगे, ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। थर्ड नंबर की बात करें तो एचआईवी, अगर पेशेंट एचआईवी से ग्रस्त है तो उसका भी क्या नहीं करेंगे, ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। फोर्थ आता है हेपेटाइटिस बी, एंड फिफ्थ नंबर पे है हेपेटाइटिस सी। अगर ये डिजीज, ये इन्फेक्शियस डिजीज अगर पर्सन को है, सबसे पहले असेस करें, पर्सन का ब्लड लेने से पहले ये असेस करते हैं, उसका वेट देखते हैं, हाइट देखते हैं, सॉरी एज देखते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल, एंड जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, जो फर्दर जो पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उसमें इन्फेक्शन ना हो, उसमें मतलब जो भी डिजीज है वो फर्दर ट्रांसफर ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं इनको असेस करते हैं, लाइक सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, क्लियर है। जो हेपेटाइटिस सी है ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस है, क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, मोस्ट कॉमन है हेपेटाइटिस सी, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या बात की प्रोसीजर की, उसमें डोनर का, जो डोनर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, वेट क्या है, उसका एज क्या है, एच बी और जो भी इन्फेक्शन डिजीज है, क्लियर है। यहाँ तक सबसे पहले क्या किया हमने, कलेक्शन, फिर उसको कलेक्शन करके क्या करेंगे, ब्लड बैंक में स्टोर कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्लड बैंक में, उसमें जो प्रिजर्वेटिव एजेंट है मिक्स करके ब्लड बैंक में स्टोर कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सेकेंड नंबर तक बताना था प्रोसीजर में क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग कौन पेशेंट, कौन ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ये सब आपको क्रॉस मैचिंग अजय सर ने बताया एनाटॉमी क्लास में, आप हमारे यूट्यूब चैनल के जाके और वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एनाटॉमी की, क्लियर है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा क्रॉस मैचिंग, वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया अजय सर ने, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास थी ब्लड की, उसमें क्रॉस मैचिंग, क्लियर है। जो यूनिवर्स, जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ओ पॉजिटिव, कौन सा है, ओ पॉजिटिव, क्लियर है। सेकंड बात करें यूनिवर्सल डोनर की, यूनिवर्सल डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ओ नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव वाला पेशेंट है यूनिवर्सल, ये किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, क्यों, क्योंकि ओ नेगेटिव के अंदर क्या होता है, एंटीजन जो होता है, क्या होता है, एंटीजन, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्लियर है। इसकी वजह से जो भी हम ब्लड ग्रुप देंगे पेशेंट को किसी को भी, तो उसमें क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से उसमें हीमोलाइटिक रिएक्शन नहीं होगी और वो ब्लड एक्सेप्ट कर लेगा, क्लियर है। सेकेंड बात करें थर्ड, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव, क्लियर है, ए बी पॉजिटिव। यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ नेगेटिव, ध्यान रखना ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं है, कौन सा है, ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, ये कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव नहीं है, कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी, क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, ए बी पॉजिटिव में क्या होता है, इसमें ये यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो एंटीबॉडी है, क्या है, एंटीबॉडी, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्या होती है, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, इसकी वजह से जो भी ब्लड लेगा पेशेंट ए बी पॉजिटिव वाला, उसमें क्या नहीं होगा, जो भी हीमोलाइटिक, जो क्या है, हीमोलाइटिक रिएक्शन है वो नहीं होगी और रिएक्शन नहीं होगा, क्लियर है, और ब्लड आराम से क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, क्लियर है। तो ये था अपना क्रॉस मैचिंग। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे था अपना कौन सा, आर्टिकल्स, क्या थे, जो भी आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स में सबसे पहले देखते हैं अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बी टी सेट की, क्लियर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, क्लियर है। जो अपना आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले अपना आता है बी टी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। जो बी टी सेट होता है ये स्पेशल, मतलब जो आई वी सेट होता है उससे थोड़ा अलग होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें होता क्या है, बी टी सेट में इसमें एक फिल्टर लगा होता है, क्या होता है, इसमें एक फिल्टर लाइन होती है, इसमें क्या होती है, फिल्टर लाइन, फिल्टर लाइन होती है। इससे क्या होगा, जो भी ब्लड के अंदर जो कोई फॉरेन बॉडी है
उसको क्या नहीं होगा, पास नहीं होगी, आगे क्या हो जाएगी, जो बीटी सेट है उसमें ही रुक जाएगी और आगे मतलब सर्कुलेशन सिस्टम में फॉरवर्ड नहीं होगी, क्लियर है। इसलिए इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है, उसको बोलते हैं फिल्टर लाइन, क्लियर है। सेकंड, जो एक फिल्टर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, मर्फी, क्या बोलते हैं, मर्फी, क्लियर है। जो फिल्टर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्टर आल्सो नोन एज, फिल्टर आल्सो नोन एज मर्फी, मर्फी चैम्बर, क्या बोलते हैं इसको, जो फिल्टर लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, मर्फी चैम्बर, क्या बोलते हैं, मर्फी चैम्बर, क्लियर है। इसके बाद जो इसकी जो साइज होती है, जो फिल्टर लगा होता है इसकी साइज होती है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल तक का जो पार्ट मॉलिक्यूल है वो मतलब उसके अंदर क्रॉस कर सकता है, तो साइज ऑफ फिल्टर, फिल्टर की साइज होती है वो कितनी होती है, 10 to 14 माइक्रोमीटर, 10 to 14 माइक्रोमीटर, कितनी होती है, 10 to 14 माइक्रोमीटर। और अपने को यहाँ से क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है बीटी, तो ब्लड के अंदर, ब्लड कंपोनेंट के अंदर सबसे जो बड़ा कंपोनेंट है वो कौन सा है, आरबीसी, सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, आरबीसी। और आपको पता है आरबीसी की साइज कितनी है, वो है 7.2 माइक्रोन, क्लियर है, 7.2 माइक्रोन, क्लियर है। आरबीसी की साइज कितनी है, 7.2 माइक्रोन। तो इसके अंदर से क्या होगा, जो फिल्टर की साइज, इसमें इसके अंदर से आराम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा और कोई फॉरेन बॉडी आएगी बड़ी पार्टिकल की 10 to 14 माइक्रोमीटर से ज़्यादा, तो उसको क्या कर लेगा, ये यहीं रख लेगा, फिल्टर हो जाएगा यही और ब्लड आगे निकल जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या होगा, आरबीसी कितना है, 7.2 माइक्रोन और इसका साइज है 10 to 14 माइक्रोमीटर, क्लियर है। तो आराम से आरबीसी क्रॉस कर जाएगी, क्लियर है। तो ये क्या था अपना, जो बीटी सेट था उसके फीचर, क्लियर है। उसके बाद जो कैनुला की बात करें, किसकी, कैनुला की, एग्जाम में ऐसे पूछता है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कौन से कैनुला के द्वारा करते हैं, कई बार पूछता है उसका गोज कितने गोज का है, और अगर गोज ने दे रखा हो तो उसके कलर कोड से क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। डेलियम तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कलर कोड से, क्लियर है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आता है कैनुला, कौन से कैनुले से बीटी करते हैं, कैनुला, क्लियर है, कैनुला। तो बात करें कैनुला की, तो वो होता है 18 गोज का, कितना, 18 गोज का, क्लियर है। 18 गोज के से अपन क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है। इसके कलर की बात करें तो ये कौन से कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का, कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, क्लियर है। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, गोज देके पूछेगा या कलर देके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन से कैनुला से करते हैं, तो 18 गोज या ग्रीन कलर, क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका जो आईवी स्टैंड है, अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो जो ब्लड बोतल है उसको क्या करेंगे, आईवी स्टैंड पे हैंग करेंगे, क्लियर है। तो जो आईवी स्टैंड है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आईवी स्टैंड की लेंथ की बात करें, आईवी स्टैंड लेंथ, ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है, आईवी स्टैंड की जो लेंथ है वो कितनी होती है, वो होती है 16 to 24 इंच, क्लियर है। कितनी होती है, 18 to 24 इंच, क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद ये अपन ने क्लियर कर लिया, सबसे पहले क्या किया अपन ने, जो भी डोनर के फीचर थे वो कर लिए, कलेक्ट करने के बाद अपने क्या उसको ब्लड बैंक में स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या किया, क्रॉस मैचिंग कर लिया, जिस पेशेंट को ब्लड चाहिए उससे क्रॉस मैचिंग कर लिया, क्लियर है। क्रॉस करने के बाद क्या किया, हमने ब्लड क्रॉस कर लिया, उसके बाद अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेसर को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड सेट से, वो बीटी सेट चाहिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, तो उसमें क्या किया, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट लिया, क्लियर है। देन उसके बाद क्या किया, हमने आईवी लाइन डाली, लाइन डालने के बाद क्या किया, हमने कैनुला लगा दिया, कितनी गोज का लगाना, लाइन तैयार कर ली। उसके बाद सब काम तैयार, अपना जो बीटी जो बोतल है वो हैंग है आईवी सेट पे। देन हम जो आईवी लाइन है उसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, एनएस पुश करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन, क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कौन सा जो फ्लूड है वो चलाते हैं, वो है एनएस, नॉर्मल सलाइन। क्यों चलाते हैं, क्योंकि जो भी अपना जो आईवी लाइन है वो क्या हो जाती है, क्लियर,
क्योंकि जो अपन ब्लड चलाएंगे, बीटी करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड क्लोट है उसके होने के होते हैं चांस होते हैं, क्लियर है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले क्या करेंगे, एनएस लाएंगे, क्या करेंगे एनएस पुश करेंगे, उससे क्या होगा जो लाइन है वो क्या जाएगी, क्लियर क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आता अपन ने यहाँ तक क्लियर, अपने इंस्ट्रूमेंट कर सब तैयार कर लिया अपन ने, जो भी अपन ने आर्टिकल से कलेक्ट कर लिए, और अब अपना ब्लड भी कलेक्ट कर लिया, स्टोर है, तैयार है। अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसीजर, क्लियर है। अब आता है बीटी प्रोसीजर, बात करें प्रोसीजर की, क्लियर है प्रोसीजर। सबसे पहले प्रोसीजर की बात करें, जो भी वो है प्रोसीजर है अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो नर्स ऑर्डर ना करें, कौन ऑर्डर करता है, डॉक्टर। बीटी कौन ऑर्डर करता है, डॉक्टर, ये नर्स का ऑर्डर नहीं है, किसका है, डॉक्टर का। सबसे पहले क्या करेगा, डॉक्टर ऑर्डर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शॉर्ट में लिखता हूँ बीटी, डॉक्टर ऑर्डर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले डॉक्टर ने क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑर्डर किया, क्लियर है। कौन सा ब्लड ग्रुप देना है, कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, वो सब कौन बताएगा, डॉक्टर, क्लियर है। सेकंड, फिर नर्स का काम है, ब्लड डॉक्टर को ब्लड ऑर्डर करने के बाद नर्स क्या करेगी, ब्लड बैंक से ब्लड कलेक्ट करेगी, क्या करेगी, नर्स ब्लड बैंक से ब्लड कलेक्ट करेगी, और ब्लड कलेक्ट करने के 30 मिनट के अंदर, विद इन 30 मिनट के अंदर बीटी स्टार्ट कर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है, डिले नहीं करना है, क्योंकि ब्लड कलेक्ट करने के बाद अपने डिले किया तो क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसका टाइम कितना था, 2 to 4 आवर, क्लियर है। अगर डिले कर दिया 2 to 4 आवर के अंदर ट्रांसफ्यूजन नहीं किया तो क्या होगा, उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, डिले किया तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, सेप्टिसीमिया, क्लियर है। तो डिले नहीं करना, विद इन 30 मिनट क्या करना है, बीटी स्टार्ट करना है, क्लियर है। तो सेकंड नंबर पे है कलेक्ट द ब्लड इन द ब्लड बैंक, ब्लड बैंक से ब्लड कलेक्ट करना है, एंड स्टार्ट बीटी विद इन 30 मिनट, क्लियर है। 30 मिनट के अंदर क्या करना है, अपने को ब्लड स्टार्ट कर देना है, क्लियर है। उसकी वजह से अगर 30 मिनट में ब्लड स्टार्ट नहीं किया तो डिले हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उस पर कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, सेप्टिसीमिया, क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड अपन ने ब्लड बैंक से रिसीव कर लिया, क्लियर है। उसके बाद ब्लड को ब्लड बैंक से रिसीव करने के बाद उसको देखेंगे 2 टाइम, उसको चेक करेंगे कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्लियर है। जिस पेशेंट को अपन ब्लड दे रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उसका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं, 2 टाइम अपन चेक करेंगे, एक्सपायरी डेट एंड उसका ब्लड ग्रुप, क्लियर है। नेक्स्ट है 2 टाइम्स चेक द एक्सपायरी डेट एंड ब्लड ग्रुप, पेशेंट ब्लड ग्रुप, क्लियर है। सबसे पहले कलेक्ट किया ब्लड बैंक से उसको, फिर उसके बाद क्या किया, जो ब्लड ग्रुप है उसका एक्सपायरी डेट चेक किया एंड उसका ब्लड ग्रुप चेक किया, जो अपन पेशेंट को दे रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है नहीं, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट उसके बाद है, अगर फिर क्या करेंगे अपन, पेशेंट को तैयार करेंगे, उसको पेशेंट को ब्लड देने से पहले, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसको पेशेंट का क्या लेंगे, वाइटल, यहाँ तक क्लियर है। ब्लड क्या किया, उसका एक्सपायरी डेट चेक किया और उसका ब्लड ग्रुप, देन उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के जस्ट पहले, तुरंत पहले क्या करेंगे, उसका वाइटल चेक करेंगे, जस्ट बिफोर था बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चेक द वाइटल साइन, क्लियर है। जस्ट बीटी से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या कर देंगे, उसका क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे। उसका वाइटल साइन चेक किया तो अगर अपने को वहाँ पेशेंट को अगर फीवर मिलता है, क्या मिलता है, फीवर, तो अपने को क्या नहीं करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अगर आप को बीटी करना है और उससे जस्ट पहले वाइटल साइंस चेक करते हो और आपको पेशेंट में फीवर देखने को मिलता है तो क्या करना है, अगर पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को फीवर देखने को मिला तो क्या करना है, फर्स्ट है
आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्या करना है डॉक्टर को, डॉक्टर इन्फॉर्म, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्लियर है। देन जो भी अपन ने ब्लड कलेक्ट किया था, जो भी अपन ने प्रोसेस जहाँ तक अपने कंप्लीट कर लिया था उसको, ब्लड को ब्लड बैंक से कलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद अपन ने बीटी की तैयारी कर रही थी, बीटी की तैयारी कर रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसको स्टॉप कर देना, वहीं क्या करना है उसको स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो भी अपन ने प्रोसीजर कर लिया था उसको स्टॉप करना है, और अगर पेशेंट को फीवर है तो ब्लड तो देना नहीं है, उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे डॉक्यूमेंटेशन करके वापस ब्लड बैंक में स्टोर कर देंगे, वापस क्या कर देंगे उसको डॉक्यूमेंटेशन करके क्या कर देंगे ब्लड बैंक में क्या कर देंगे वापस सेंड कर देंगे, क्लियर है। क्योंकि अगर बाहर रहेगा ब्लड बैंक से तो क्या हो जाएगा, वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए उसको वापस क्या कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन करके उसको क्या कर देंगे वापस सेंड कर देंगे ब्लड बैंक में, क्लियर है। अगर पेशेंट को फीवर हो तो सबसे पहले फीवर हो तो हमने क्या किया डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, क्या किया सेकंड स्टॉप कर दिया, जो भी प्रोसीजर था अपना उसको स्टॉप कर दिया एंड वापस ब्लड को ब्लड बैंक में सेंड कर दिया। अब पेशेंट को फीवर है तो डॉक्टर आएगा और डॉक्टर उसको क्या करेगा ओरल मेडिकेशन एडवाइस करेगा, क्या करेगा अगर पेशेंट उसको अगर डॉक्टर उसको ओरल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है लाइक पीसीएम पैरासिटामोल, आपको बताएं क्या करती है फीवर को रिड्यूस करती है, क्लियर है। अगर डॉक्टर ने ओरल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की लाइक पीसीएम पैरासिटामोल तो अपनों क्या करना है 30 टू 60 मिनट वेट करना है, क्योंकि ओरल मेडिकेशन देंगे तो 30 से 60 मिनट लग जाएंगे उसको इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाने में, और फीवर जब तक रिड्यूस होगी तब तक उसको ब्लड बैंक में सेंड कर देंगे, क्लियर है। तो क्या करना है 30 से 36 मिनट डिले कर देंगे किसको बीटी को ब्लड। फिर उसके बाद अगर क्लियर है यहाँ तक, अगर डॉक्टर ने ओरल मेडिकेशन नहीं देखे क्या दी उसने आईवी मेडिकेशन क्लियर है। आईवी मेडिकेशन क्या करेंगी 5 टू 10 मिनट में अपना क्या दिखा देंगी थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखा देगी और फ्यूर क्या हो जाएगा रिड्यूस, क्लियर है। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक क्लियर है, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, अगर ओरल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की तो 30 से 60 मिनट तक डिले करना है बीटी, एंड अगर आईवी मेडिकेशन दिया है तो 5 टू 10 मिनट क्या करना है आपको डिले करना है बीटी, उसके बाद क्या करना है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपने ये कर दिया, नेक्स्ट है अपन क्या करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है, क्लियर है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है तो बीटी स्टार्ट किया अपन ने वापिस, स्टार्ट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर है। आपका फीवर था पेशेंट के वो ठीक हो गया, पेशेंट ने क्या की वो डॉक्टर ने क्या किया मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया और क्या हो गया फीवर स्टॉप, फीवर बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद अपन ने वापस क्या किया ब्लड बैंक से ब्लड कलेक्ट किया एंड बीटी स्टार्ट किया। तो क्या करना है जो फर्स्ट 15 मिनट है उसमें क्या करना है ब्लड को क्या करना है स्लो स्टार्ट करना है, क्लियर है। जो फर्स्ट 15 मिनट है मैंने आपको आरबीसी में बताया कि ब्लड को कैसे ट्रांसफ्यूज करना है, फर्स्ट 15 मिनट में क्या करना है स्लो करना है, यानी कि 1 to 2 ml पर मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या 10 to 20 ड्रॉप पर मिनट, क्लियर है। 10 to 20 ड्रॉप पर मिनट क्या करना है ट्रांसफ्यूज करना है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो आफ्टर 15 मिनट है आफ्टर जो 15 मिनट है उसमें क्या करना है 40 ड्रॉप पर मिनट, क्या देना है 40 ड्रॉप पर मिनट, बट नॉट मोर देन 40 ड्रॉप पर मिनट, लेकिन 40 ड्रॉप से पर मिनट ज़्यादा 40 ड्रॉप लेकिन मोर देन 40 ड्रॉप पर मिनट से ज़्यादा ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, क्लियर है। इसकी वजह से क्या होती है कॉम्प्लिकेशन, अगर आपने जल्दी दिया ब्लड टाइम से तो भी कॉम्प्लिकेशन और लेट दिया तो भी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है वो पिक टाइम में होना चाहिए, क्लियर है। उसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई अभी आपको आरबीसी में, क्लियर है। तो ये था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेट किया तो क्लियर है सेप्टिसीमिया होता है, और जल्दी किया तो कौन सा होता है मैंने बताया आपको
हाइपरवोलीमिया, और हाइपरवोलीमिया की वजह से क्या देखने को मिल रहा था, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट और सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्लियर है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको कार्डियक अरेस्ट पे एंड सेकंड प्रायोरिटी देनी है सर्कुलेटरी ओवरलोड पे। क्लियर है, यहाँ तक यहाँ का कंप्लीट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है बीटी। अब आपका बताता है इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ उसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसका एक सेपरेट लेक्चर लेंगे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन का। क्लियर है, तो यहाँ तक अपना क्लियर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपन सेपरेट कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।